साल 2017 बॉक्स ऑफिस के लिए बहुत ग्रेट नहीं रहा। ऐसी कई फिल्में रही जिनको माना जा रहा था कि ये बॉक्स ऑफिस पर कमाल कर देंगी, लेकिन औंधे मुंह गिर गई। वहीं पर छोटी बजट की फिल्मों को लोगों ने पसंद किया, पर ये वही साल है जहां पर बाहुबली 2 द कंक्लूजन जैसी ग्रेट फिल्में भी रिलीज हुई। तो आइए जरा इस वीडियो में जान लेते हैं कि आखिर 2017 की कौन सी टॉप 10 फिल्में हैं जिन्होंने बॉक्स ऑफिस की लाज बचाई। हेलो नमस्कार, आदाब, मैं हूं अभिषेक। आपने लॉग इन किया है फिल्मी बीट। बात चल रही है 2017 की टॉप 10 मूवीज के बारे में जिन्होंने 100 करोड़ का आंकड़ा तो पार किया ही, वहीं पर बॉक्स ऑफिस की लाज बचाई। तो जनाब, इन टॉप 10 मूवीज में नंबर 10 पर है ऋतिक रोशन की फिल्म काबिल, जिसने कारोबार किया 104 करोड़ का। जी हाँ, फिल्म 100 करोड़ी क्लब में शामिल हुई। वहीं पर 9वें नंबर पर आती है वरुण धवन आलिया भट्ट की फिल्म बद्रीनाथ की दुल्हनिया। इस फिल्म ने तकरीबन 117 करोड़ की कमाई की और बॉक्स ऑफिस पर राज किया। वहीं पर 8वें नंबर पर पहुंची फिल्म अक्षय कुमार साहब की जॉली LLB 2, जिसने कमाई की 117 करोड़ की। 7वें नंबर पर आती है सलमान खान साहब की फिल्म ट्यूबलाइट। हालांकि ट्यूबलाइट को लोगों ने पसंद नहीं किया, सलमान के लिए बुरी फिल्म रही, पर फिर भी इसके बावजूद फिल्म ने 100 करोड़ क्लब में अपनी जगह बनाई। फिल्म ने कारोबार किया अपना 119 करोड़ से थोड़ा सा ज्यादा। वहीं पर बात करें 6ठे नंबर की फिल्म जो 2017 में रही, वो है टॉयलेट एक प्रेम कथा। जी हाँ, अक्षय कुमार भूमि पेडनेकर स्टारर फिल्म टॉयलेट एक प्रेम कथा को लोगों ने बहुत पसंद किया और इसी के साथ इस फिल्म ने कमाई की तकरीबन 135 करोड़ की साल 2017 में। वहीं पर इस टॉप 10 लिस्ट में 5वें नंबर पर आती है शाहरुख खान साहब की फिल्म रईस, जिसने कमाई की 137 करोड़ से ज्यादा की। जी हाँ, इस फिल्म को लोगों ने अच्छा रिस्पांस दिया और फिल्म कमाई करने के मामले में अच्छी रही। 4थे नंबर पर आती है वरुण धवन स्टारर फिल्म जुड़वा 2। जी हाँ, सलमान की जुड़वा की रीमेक जुड़वा 2 रिलीज हुई 2017 में ही और इस फिल्म ने कमाई की 138 करोड़ की। वहीं पर 3रे नंबर पर आती है नन अदर देन अजय देवगन और रोहित शेट्टी की फिल्म गोलमाल अगेन। जी हाँ, ये फिल्म वो थी जो साल 2017 की सबसे ज्यादा कमाने वाली बॉलीवुड फिल्म बनी तब तक जब तक टाइगर जिंदा है नहीं आई। बहरहाल, गोलमाल अगेन ने कमाई की 205 करोड़ इंडियन मार्केट में। वहीं पर 2रे नंबर पर पहुंच गई फिल्म जिस रिलीज को अभी तकरीबन एक ही वीक हुआ है, सलमान खान साहब की फिल्म टाइगर जिंदा है। एक ही वीक में इस फिल्म ने 206 करोड़ की कमाई कर ली है, गोलमाल अगेन से ज्यादा की कमाई कर रही है और इसकी कमाई अभी जारी है। वहीं पर नंबर 1 पे रही ताबड़तोड़ कमाई के साथ प्रभास की फिल्म बाहुबली का दूसरा पार्ट यानी कि बाहुबली 2 द कंक्लूजन। इंडियन मार्केट में इस फिल्म ने कमाई की 511 करोड़ और इसी कमाई के साथ 2017 की नंबर 1 फिल्म बनी। हालांकि देखा जाए तो बाहुबली 2 एक हिंदी फिल्म नहीं थी, साउथ इंडियन फिल्म थी जिसे हिंदी में डब किया गया था, लेकिन फिर भी इसके बावजूद इस फिल्म ने ताबड़तोड़ कमाई की, हिंदी फिल्मों से कई गुना ज्यादा कमाई की। तो इस तरीके से ये वो टॉप 10 फिल्में हैं जिन्होंने बॉक्स ऑफिस की लाज रख ली, बॉक्स ऑफिस की कमाई करवा दी। वहीं पर देखा जाए तो इस साल जब हैरी मैट, रंगून, अ जेंटलमैन जैसी बड़ी फिल्में भी रिलीज हुई, लेकिन दर्शकों ने इसे रिजेक्ट किया, जबकि छोटी बजट की फिल्म जैसे कि बरेली की बर्फी, न्यूटन, हिंदी मीडियम, शुभ मंगल, सावधान, लिपस्टिक, अंडर माय बुरका, इनको लोगों ने खूब पसंद किया। तो ये थी 2017 की कमाऊ फिल्में। फिल्मी बीट के इस वीडियो में फिलहाल इतना ही। बॉलीवुड और टेलीविजन की दुनिया से जुड़ी ऐसी ही अपडेट्स के लिए सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल फिल्मी बीट को।